ये सेटअप बनवाने में 40-50 हज़ार रुपये खर्च आया था। अच्छा, तो मुझे जो है 3-4 गाय ही रखना था। अच्छा, अच्छी गाय जो है, महंगी गाय लाए, अच्छी दूध वाली गाय लाए। जी जी। तो खरीद गाय खरीदना बहादुरी नहीं है। जी जी जी। गाय के साथ जो है परिश्रम करना पड़ेगा। अच्छा। समय ध्यान देना पड़ेगा। हाँ हाँ। इसके लिए थोड़ा शीत गर्म से बचना पड़ता है, जानवरों को बचाना पड़ता है। जी जी। और थोड़ा सा जो हवा वगैरह की व्यवस्था लगा दिया जाता है, पंखा उनका, इसमें मुनाफा हो जाता है, लेकिन एक शौक है जो भी मिल जाता है, लेकिन नुकसान नहीं होता है। बाहर में जो जाता है, बॉम्बे कलकत्ता कमाने जाता है, उससे अच्छा है कि अपने घर पर जो है आराम से कर सकता है, 15,000 रुपया बचा सकता है 3 गाय में। देखिए, आदमी जब मन से करेगा, परिश्रम से करेगा और अपने हाथ से करेगा, तभी सक्सेस होगा। अच्छा, नमस्कार दोस्तों, मैं प्रिंस और आप देख रहे हैं नई कृषि दर्पण यूट्यूब चैनल। तो दोस्तों, आज मैं हूं उत्तर प्रदेश के बनारस जिले में, और आप हमारे पीछे जो देख पा रहे हैं, मात्र 3 पशु का डेयरी फार्म है, और इसको संचालित करने वाले एक पेशे से डॉक्टर हैं और काफ़ी अच्छे से इसको संचालित करें। लेकिन आज का जो वीडियो है काफ़ी महत्वपूर्ण इसलिए होने वाला है कि जो बंदा, जो व्यक्ति डेयरी फार्म की शुरुआत करना चाहता है, तो उनके लिए किन किन चीज़ों की जरूरत पड़ती है, कितने पैसों की जरूरत पड़ेगी, कितनी ज़मीन की जरूरत पड़ेगी, क्या उनका प्लान होगा, कैसे डेयरी फार्म को वो सफल बनाएंगे, हर एक चीज़ हम इस वीडियो में जानकारी लेने वाले हैं कि आखिर दूध कहाँ आप सेल कर सकते हैं, किस तरीके से कर सकते हैं, हर एक चीज़ जानेंगे, और इनका प्लान क्या होगा, बिजनेस का मॉड्यूल क्या होगा, वो चीज़ हम इस वीडियो में जानेंगे। तो आइए, जानकारी लेने से पहले मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करूंगा कि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लेंगे, साथ में बेल आइकन का बटन को प्रेस कर लेंगे, ताकि जब भी इस तरह का वीडियो बनाऊं तो आपको अपडेट्स मिले। और मैं बता दूं कि आप हमें अब फेसबुक पर भी देख सकते हैं, हमारा फेसबुक पेज नई कृषि दर्पण के नाम से है फेसबुक पर, वहां भी आपको अच्छी अच्छी जानकारियां देखने को मिलेगी। जो युवा साथी जो है वीडियो, पुराना वीडियो हमारा नहीं देखे होंगे, उनके लिए मैं बता दूं कि वो वीडियो मैं वहां पे आपको दिखा रहा हूं, तो जल्दी जाइए, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप जाइए और वहां पे लिंक पे क्लिक कीजिए, हमें फॉलो कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत स्वागत है सर हमारा इस यूट्यूब चैनल पर। तो सबसे पहले मैं आपका परिचय जानना चाहूंगा, और ये आपका फार्म कहाँ पर है ये जानना चाहूंगा सर। मेरा नाम है मदन मोहन सिंह, डॉक्टर मदन मोहन सिंह। जी जी। ग्राम मोहन सराय, गंगापुर, वाराणसी के रहने वाला हूँ। तो सर, आप पेशे से एक डॉक्टर हुए। जी जी। तो सबसे पहले जो हम वीडियो सर बनाते हैं, वो मेरा मकसद होता है कि जो एक युवा बेरोजगार होता है, वो छोटे रूप से इस डेयरी को कैसे करके वो मुनाफा कमा सकता है, तो इस विषय पर हम आपके साथ चर्चा करने के लिए खड़े हुए हैं। तो सबसे पहले सवाल हुआ कि जो आपने डेयरी स्टार्ट किया था, तो सेटअप आपने जो बनवाया, उसमें कितना खर्च आपने किया था, उसके पहले आप बताएंगे सर। ये सेटअप बनवाने में 40-50 हज़ार रुपये खर्च आया था। अच्छा। और मुझे जो है 3-4 गाय ही रखना था। अच्छा। तो इसीलिए जो बहुत बड़े पैमाने में नहीं बनवाए। अच्छा। छोटे में ही बनवाए। जी जी। 40-50 हज़ार रुपये खर्च आया। तो ये कितना बाई कितना में है सर आपका, जहाँ गाय रह रही है? 18x15 का है। अच्छा, 18x15 का है। हाइट कितना ले रखे हैं सर? हाइट इसका जो है वही जो है करीब 10-11 फीट है। 10-11 फीट है। उसके बाद हम भूसा वाला जगह देख पा रहे, तो वो कितना बाई कितना का है सर? भूसा वाला भी इससे थोड़ा सा बड़ा है। अच्छा। हाँ, भूसा वाला इससे थोड़ा सा बड़ा है। फिर भी ये कितना बाई कितना का है, मतलब इसको 20x18 का लेके चलेंगे? हाँ हाँ, 20x18। ये 20x18 का ये आपका। उसके अलावा एक और बछिया के लिए हमने जगह देख रखा है सर, तो वो कितना बाई कितना का है? ये आपका जो है ये भी 10x11 का है। अच्छा। तो अगर 10x इतना हम जगह जो आपने आपका दिख रहा है सर, तो अगर इसको हम देखेंगे तो इसको बनाने में, पूरा कंस्ट्रक्शन करने में कितना खर्चा लग जाएगा? वही कुल 60-70 हज़ार 80 हज़ार लग जाएगा। अच्छा, मतलब पूरा ये सब करने में। तो मतलब एक अगर युवा चाहता है शुरुआत करना, तो 60-70 हज़ार या 80-90 हज़ार तक के वो कंस्ट्रक्शन में खर्च करेगा। तो अब मेरा दूसरा सवाल जो होगा सर, आपने कब इसमें शुरुआत किया था? मैंने 7-8 साल पहले एक छोटी गाय रखते थे दूध खाने को। अच्छा अच्छा। लेकिन मैं देखा कि उतना ही परिश्रम करना पड़ता है, वही समय उठना है, अच्छा, और करना है, तो मैं अच्छी गाय क्यों ना रखें। अच्छा अच्छा। तो अच्छी गाय जो है, महंगी गाय लाए, अच्छी दूध वाली गाय लाए। जी जी। तो छोटी गाय जो आपने रखा, वो सीखने के पर्पज से मतलब रखा? छोटी गाय मैंने दूध खाने के मकसद से रखा था। अच्छा। लेकिन उसमें नुकसानी ये हो जाती थी कि जैसे 3 महीने दूध बंद कर देती थी, तो 3 महीने दूध खरीदना पड़ता था। जी। और 3 महीने उसको खिलाना पड़ता था। अच्छा। तो सब लेकर बराबर हो जाता। अच्छा। था, इस वजह से मैंने कहा कि बड़ी नस्ल की गाय, अच्छी नस्ल की गाय रखें। जी जी। तो उसमें दूध भी मिलेगा हमेशा, और उसमें कुछ मार्जिन भी आती रहेगी। अच्छा अच्छा। तो जैसे पहली गाय जो बड़ी गाय में, मतलब कौन सी खरीद कर लाया, कितने की खरीद करके लेके आए थे? ये मैं गाय लाया 99,000 रुपए की। अच्छा। ये हाँ, और अभी उस समय दांती नहीं थी। अच्छा अच्छा। इसके अंदर जो है 26 लीटर दूध था। अच्छा। इस समय इसको 17-18 महीना हो गया है बच्चा। अच्छा। दिए हुए। जी जी। अभी भी इसके पास जो है 10 लीटर दूध है दोनों में। अच्छा अच्छा।
तो मतलब 99,026 लीटर दूध है जी जी। तो कुल मिलाकर के 180,000 लगभग खर्च करेगा तो एक युवा अपना डेयरी का स्टार्टअप कर सकता है वो। हाँ, लेकिन युवा करेगा, अपने परिश्रम करेगा तब। हाँ, तो वो भी होना जरूरी है, साथ में लगन होना जरूरी है उसके साथ में। अब वो खरीद गाय खरीदना बहादुरी नहीं है जी जी जी। गाय के साथ जो है परिश्रम करना पड़ेगा, समय ध्यान देना पड़ेगा। तो जैसे जब शुरुआत सर आपने किया बड़ी गाय लेकर के आए, तो आपको परेशानियां क्या हुई सर, इसके बारे में आप थोड़ा सा हमारे दर्शकों को बताएंगे? इसके लिए थोड़ा सा लोग घबराए, परेशान किए जी कि जी। आप परेशान हो जाओगे डॉक्टर साहब, इतनी महंगी गाय लाए जी, लेकिन जी। अब हिम्मत रखे, कोई परेशानी फिर बाद में नहीं आई। तो मतलब फिर भी क्या परेशानियां थोड़ी बहुत तो झेलनी पड़ी? थोड़ी बहुत परेशानी झेलनी पड़ी कि जो है गर्मी जब आ जाती आई तो थोड़ा सा परेशानी झेलनी पड़ी। कूलर वगैरह की व्यवस्था बना दिए, ठीक हो गए। अच्छा, तो रोग वगैरह को लेकर के मतलब क्या परेशानियां? रोग तभी वैसा नहीं है, वैसे वायरल फीवर वगैरह मौसमी बुखार वगैरह तो है, जनरली है जी जी। उसके लिए आ जाता है तो किसी जो है डॉक्टर को बुलाकर। तो मतलब कुछ घरेलू उपचार वगैरह नहीं करते हैं? घरेलू उपचार तो मैं डॉक्टर हूँ, जानता जरूर हूँ, लेकिन ये सब थोड़ा सा जानवर है, सबको इंजेक्शन वगैरह लगाने जो है के लिए बुलाना पड़ता है। अच्छा, तो मतलब आपको तो 6 साल लगभग हो गया ना करते हुए? जी जी, 6-7 साल। तो 6 साल में सबसे ज्यादा परेशानी किस मौसम में आपको अनुभव किया? इसी बरसात में ही मौसम में आती है। तो इसमें इस परेशानी से बचने के लिए आपने मतलब क्या क्या प्रिकॉशन लिया था सर? इसके लिए थोड़ा शीत गर्म से बचना पड़ता है, जानवरों को बचाना पड़ता है जी जी। और थोड़ा सा जो हवा वगैरह की व्यवस्था लगा दिया जाता है, पंखाओं का, इसमें कूलर तो नहीं चलाते हम लोग जी जी, पंखे लगा देते हैं, शीत गर्म बचाते हैं। अच्छा, बस वही। अच्छा, और वैक्सीनेशन वगैरह इनका होता लगवा है? दिया जाता है, जून में ही लगवा। किस चीज का वैक्सीनेशन कराते हैं सर? इसमें वही जो है वायरल वगैरह के लिए है, हैं? जी हाँ। तो जैसे वैक्सीनेशन जून में एक बार होता है, उसके बाद फिर कब होता है? उसके बाद एक बार लगवा दिया जाता है फरवरी वरवरी में जो अच्छा, है अच्छा। या जनवरी वगैरह में। तो इन बड़ी गाय के साथ में सर, जनरली हमने जो डेयरी फार्म पे विजिट किया है तो उसमें हमने एक समस्या देखा है जो कि पशुओं को थनैला होता है, तो क्या आपके पशुओं के साथ में भी होता है या नहीं होता है? देखिए, साफ सफाई रखना रहेगा, थनैला नहीं होगा। अच्छा, और दूहने के बाद उसको थोड़ा सा जो है हमने गुनगुने पानी से हल्के से धुलाई करा देते हैं। अच्छा, दूहने के बाद गुनगुने पानी से धुलाई करते हैं। और जो है क्योंकि दूध लगा रहता है, मक्खियां वगैरह बैठी हैं तो उसी समय इन्फेक्शन होने का रहता है, इन्फेक्शन होता है तभी थनैला होता है जी जी। और उसके बाद जो दूसरा समस्या होता है सर पशुओं में, इन पशुओं में मैं बता रहा हूँ कि ज्यादातर रिपीटेशन का प्रॉब्लम होता है कि एक बार में कंसीव नहीं कर पाती है। मिनरल देते रहेंगे हमेशा तो ऐसा प्रॉब्लम नहीं आएगा। अच्छा, मिनरल हमेशा देना, मिनरल देते रहेंगे तो हमेशा ऐसा प्रॉब्लम आएगा। तो अभी तक आपके साथ मतलब इस तरह का समस्या हुआ कि नहीं हुआ? थोड़ा बहुत था बड़ी गाय में। अच्छा, बड़ी गाय में हुई थी एक दो बार, लेकिन उसके बाद फिर जो है। तो कैसे फिर इसका सॉल्यूशन आपने किया? थोड़ा सा हल्का सा ओवरी में इसको स्वेलिंग आ गई थी। अच्छा अच्छा, दवा वगैरह डॉक्टर साहब ने चढ़ाया उड़ाए, उसके बाद सही हुई। अच्छा, तो अब हम थोड़ा सा ये जानना चाहेंगे सर जैसे मैनेजमेंट के बारे में, क्योंकि हर एक अगर कोई युवा करता है तो उसको मैनेजमेंट अगर नहीं पता तो फेल हो जाएगा। तो मैनेजमेंट में आप कैसे कैसे क्या करते हैं इनके साथ में बताएंगे? जैसे सुबह से आप स्टार्टिंग बताएंगे कैसे कैसे इसको? सुबह में 5 बजे सुबह में उठता हूँ जी, और ये सब लोगों को चारा डाल देता हूँ जी। उसके बाद ये लोग खा लेती हैं, दूध वाला आता है, दूध लेता है। अच्छा, दूहने के लिए अलग व्यक्ति है? अच्छा, खिलाने के लिए सिर्फ आप खिलाते हैं? सफाई करने वाले आती है औरत, अच्छा, सफाई कर देती है जी, और यही है। तो ये प्रोसेस पूरे दोनों टाइम चलता है? हाँ, फिर सुबह में कितना लगना पड़ता है सर, कितना टाइम? सुबह 5 बजे से लेके वही 7:30 बजे तक। अच्छा, शाम को जो है वही 3 बजे से लेके और 4 बजे तक। अच्छा, 3 से 4 बजे तक, मतलब कुल मिलाकर के देखा तो 4 से 5 घंटा, 4-5 घंटे, 4 घंटे का है। और आपका सिर्फ काम खिलाने का होता है? बस खिलाने का। तो ऐसा क्यों सर, गोबर वगैरह फिर आप नहीं कर पाते? खिलाने का आपने काम कर लेते हैं? अगर खिलाने वाला तो काम लेबर भी कर सकता था सर? लेबर के बल पर हम नहीं खिला पाते ना जी, गोबर साफ कर लेगा, सब धो लेगा। अच्छा, लेकिन खिलाने की सिस्टम नहीं देते। अच्छा, तो विश्वास नहीं होता है जी जी जी। तो अब हम इनके फीडिंग वगैरह के बारे में जानेंगे, तो फीडिंग में सबसे पहला मेरा सवाल होगा कि आप इनको क्या क्या देते हैं? इसके लिए चोकर देते हैं जी, आहार देते हैं, मक्का देते हैं। अच्छा, और कड़ुआ खरी देते हैं। अच्छा, तो 3 गाय हमेशा मतलब रखते हैं? 3 गाय। इनसे आपने बढ़ाया नहीं अभी? नहीं बढ़ाया नहीं। तो ये जो आपने बताया पशुहार चोकर वगैरह, तो कितना कितना मात्रा में मतलब आपका पूरे महीने में लग जाता है? 18-20 लीटर दूध देती है, तो उसको 12 किलो देते हैं दोनों मीटिंग मिलाकर जी। अगर ड्राई पीरियड में है कम दूध देती है तो दोनों मीटिंग मिलाकर 6 किलो 7 किलो। अच्छा, तो महीने का मतलब कितना बड़ा आपका पशुहार लगी? कुल मिलाकर जो है
20,000 रुपए पड़ जाता है। नहीं मतलब ये पशुहार कितना बड़ा लगाते महीने का जो है, 4 बोरा जो पशुहार पड़ जाता है, 4 बोरा चोकर पड़ जाता है। अच्छा, और 2 बोरा मक्का पड़ जाता है। अच्छा, तो ये सब का एक्सपेंस है, मतलब लेबर वगैरह का सब लेकर के 20-22 हजार रुपए आ जाता है। अब हम बात करते हैं जैसे दूध वगैरह का, तो दूध 3 गाय से कितना प्रोडक्शन मिलता है? वही 40 लीटर जाता है। 40 लीटर हमेशा मेंटेन करते हैं, 40-38 तो गाय तो फिर आपकी ड्राई में जाती होगी, तो उस समय तो 40 मेंटेन ड्राई में जाती है, तो उसको अगर अच्छी गाय तो रखते हैं, नहीं हटा देते हैं। अच्छा, हटा देते हैं, ताजी में हमेशा बना के रखना चाहते हैं। अच्छा, ताजी में ही मतलब हमेशा बना के रखते हैं, ताजी हमेशा। तो मतलब कुल मिलाकर के दूध के पर्पस से आप रखते हैं। दूध आपका हमेशा 40, तो 40 रुपए का दूध जो है सर, वो किस रेट से आपका सेल हो जाता है? 35 रुपए। तो 35 रुपए सर बेच करके मुनाफा हो जाता है? मुनाफा हो जाता है, लेकिन एक शौक है जो भी मिल जाता है, लेकिन नुकसान नहीं होता है, क्योंकि 35 रुपए काफी कम रेट है। फीडिंग कॉस्ट अभी बहुत ज्यादा हो गया है। हाँ, तो नुकसान नहीं होता है जी। लेकिन एक है कि शौक है, अपनी पड़ी रहती है, जो भी मिल जाए उसमें। अच्छा, जो लेबर ओबर रखते हैं जी, वो सब का जो है बचत हो जाती है। अच्छा, तो मतलब जो लेबर का पैसा देते हैं, अगर लेबर नहीं होता तो वो आपका बचत हो जाता है। हाँ, बचत हो जाता। और अगर युवा कोई अकेले करेगा तो वो उसमें अच्छा खासा मुनाफा ले सकता है। फिर भी अगर एक अप्रॉक्स देखा जाए तो कितना मुनाफा ले सकता है सर? मुनाफा 10-15 हजार रुपए आराम से कमा सकता है। 3 गाय से 10-15 हजार वो कमा सकता है, मतलब बाहर जो जाता है उससे अच्छा है कि आप बाहर में जो जाता है, बॉम्बे कलकत्ता कमाने जाता है, उससे अच्छा है कि अपने घर पर जो है आराम से कर सकता है, 15 हजार रुपया बचा सकता है 3 गाय में। अच्छा अच्छा, तो जैसे पशु आपकी बच्चा देने के कितने दिन के बाद हिट में आ जाती है सर? 2 महीने के बाद हिट में आ जाता है। अच्छा, तो उसी समय कंसीव कराते हैं या बाद में? 1-1 महीने 3 महीने पे कराते हैं। 3 महीने पे कराते हैं, गाइव के बाद ही। अच्छा, तो जैसे सीमन अभी हिट में, तो सीमन कितने समय के बाद देंगे? 3 महीने के बाद देंगे। मतलब जैसे अभी हिट में आई सर, मान लीजिए शाम को 6 बजे, तो सीमन कब इसका देंगे? अभी हिट में आ गई तो सीमन जो है कल सुबह में दिलवाएंगे, कल सुबह 12 घंटे के बाद। अच्छा, और 12 घंटे के बाद यदि कंसीव नहीं गई तो फिर रिपीट करना पड़ता है? रिपीट करवाते हैं, 2 दिन चढ़वाते हैं। अगर नहीं भी करती होगी तब भी 2-3 करवाते हैं? 2 दिन कंटिन्यू लगवाते हैं। अच्छा, सीमन का खर्चा कितना कर हो जाता होगा सर? सीमन का वही जो है एवीएस का लगवाते हैं, 400-500 रुपए लेते हैं जी। अच्छा, और उसके बाद हम आना चाहेंगे, जैसे जब पशु ड्राई में जाना शुरू हो जाती है तो उस समय तो आप इन्हें सेल कर देते हैं, तो क्या उनका फीडिंग बदला जाता है कि वही फीड रहता है? फीडिंग कम होता है ना? कम होता है, कम। उस समय कितना हो जाता है सर? उस समय वही दोनों मीटिंग मिला के 7 किलो हो जाता है। अच्छा, 7 किलो, और जो दूध दे रही है उसको 12 किलो के लगभग? उसको 12 किलो। तो ड्राई वाली को कैल्शियम मिनरल वगैरह देते हैं? हाँ, ड्राई वाले को भी कैल्शियम मिनरल हमेशा चलता है। कितनी कितनी मात्रा में सर? कैल्शियम वही 50 ग्राम सुबह, 50 ग्राम शाम को चलता है। अच्छा, और कैल्शियम मैं अपने घर पर ही चूने से बनाता हूँ। अच्छा, चूना भिगो देता हूँ, उसी के पानी में देता हूँ। अच्छा अच्छा, तो चूना का पानी देने से मतलब हो जाता है? हाँ, वो मेंटेनेंस होता है। तो चूना का पानी कितना मात्रा में देना होता होगा सर? बस वही 1-1 लीटर सुबह शाम दे देते हैं। अच्छा, तीनों गाय को? तीनों गाय। और उसके अलावा डीवॉर्मिंग शेड्यूल आपका क्या है सर? वही 3 महीने के बाद। 3 महीने के बाद बच्चा देती है तो 21 दिन के बाद करते हैं। अच्छा, उसके बाद 3 महीने के बाद। तो प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं कराते हैं? नहीं, प्रेगनेंसी के टाइम में नहीं कराते हैं। तो अब हम आपसे जानना चाहेंगे, जैसे बहुत सारी डेयरी जो है अभी खुलती भी है और उसके बाद बंद हो जाती है, बहुत सारा आपने देखा भी होगा, तो इसके पीछे मुख्य कारण क्या हो सकता है सर? देखिए, आदमी जब मन से करेगा, परिश्रम से करेगा और अपने हाथ से करेगा तभी सक्सेस होगा। अच्छा, अगर अपने हाथ से नहीं करेगा जी जी, तो सक्सेस नहीं होगा। अच्छा, हाँ, अगर हाथ से नहीं करता है, नौकर करता है, तभी उसको देखना पड़ेगा। अच्छा, वो चाहे छोटे पैमाने पे हो चाहे बड़े पैमाने पे, एक रखें चाहे 10 रखें जी, देखना पड़ेगा। अच्छा, अगर बेरोजगार युवा अगर शुरू करना चाहता है तो कितनी पशु शुरुआत में लेकर के आए? 2 पशु से ही करे अपना, जानकारी प्राप्त हो जाएगी तो धीरे 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 उसको बढ़ाए। बहुत अधिक पैसा लगाने के बाद भी लोग एक बार फंस जाते हैं तो हाँ। अच्छा, तो थोड़ा थोड़ा शुरू से करे, छोटे पैमाने से शुरू करें। अच्छा अच्छा, तो आप जो 20 वाली पशु अभी हम देख पा रहे, तो उसका कितना प्राइस आपको पड़ा था सर? ये 60,000 की आई थी, आज ही 60,000 की आज ही आई है? आज ही आई है। अच्छा, अभी पहली है जी? पाली, अभी दांती भी नहीं है। अच्छा, दांत बचिया है। और उसके अलावा जो तीसरी वाली पशु है उसका? ये 75,000 रुपए की आई थी। अच्छा, एक हफ्ता पहले की आई है, इसको अभी बच्चा दिए हुए 15 दिन हुआ है। अच्छा, हाँ। तो ये जो उदंता है सर, इसका कितना लीटर दूध उम्मीद कर रहे हैं आप? इसका मैं उम्मीद कर रहा हूँ 17-18 लीटर। 17-18 लीटर जाएगी? हाँ, दोनों मीटिंग मिला। अच्छा, और ये इसका? ये 20+ है। 20+ है, 20+। पीक पर कितना था सर? पीक तो अभी पीके है, अभी पीकी है। अच्छा, 15 दिन पीकी है। अच्छा, 15 दिन में ही अभी बच्चा दिया? अभी तो 15 दिन। अच्छा, तो चलिए सर, काफी अच्छी आपने जानकारी दी हमारे पशुपालक बंधु को, युवा भाइयों को, जिनको काफी सहायता मिलेगी आपकी जानकारी से, इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद सर। बहुत धन्यवाद।